ये सब के मुंतजमीन का शुक्रिया। और मुझे ये सुबह जब मैं नीचे देखा था और आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिवायत रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के अंदर है, कि वो अपने पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, अपने जो थिंक टैंक से उनके एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो एक सालाना डिबेट उनकी होती है। तो उस सालाना डिबेट के अंदर फिर स्टूडेंट यूनियन जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जो है वो भी उनकी एक स्टूडेंट रही है, इमरान खान साहब भी वहाँ से पढ़े, तो वहाँ पर ये कोई नई चीज़ नहीं है कि इंसान स्टूडेंट इंटरेक्ट करे अपने टीचर्स के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ और अपने जो थिंक टैंक से मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, और उसके ऊपर वो जो उनके जहनों के अंदर सवाल होते हैं उनके जवाब मिले और एक आज़ाद माहौल हो, जिस माहौल के अंदर ना सवाल पूछने वाला परेशान हो ना जवाब देने वाला परेशान हो। तो एक तो ये खुशी की बात है कि इस किस्म की बाशूर मजलिसें स्टार्ट हो, डिस्कशन हो, जिसके अंदर आप जिस किस्म के सवाल किए हैं उनके ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो। तो स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं कि बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के वसाइल से नवाजा है, जिसके अंदर मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, जिसके अंदर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास ऐसे चटियल मैदान हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है और विंड एनर्जी हमारा साइल है हमारे पास जहाँ पर विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो बात उसकी एक लिहाज से तो है कि वसाइल मौजूद है, असल बात ये है कि बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है या इस नए दौर की जो तकाजे हैं उनको पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी एक नज़र डालें। मैं ज़रा एक पुरानी सी बात बताता हूँ, 1930 अल्लामा अब्दुल्ला अली अखुंदज़ादा, जिसका शायद किसी ने नाम सुना हो, जो पश्तून एरिया के लोग हैं उसको जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुफक्किर था जिसके गाजी अमानुल्लाह खान के साथ रवाबित थे, जो अफगानिस्तान का बादशाह था। मुख्तलिफ मुल्कों की सैर सयात उसने किए, सैलून किया है, बांग्लादेश किया है और इंडिया के अंदर घूमा है, अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने अपने इल्मी दर्स व तदरीस के ज़रिए वहाँ भी अपना अलकासर बनाया था। तो खान कलात की रियासत में ये वज़ीर मारिफ रहे जो मीर आज़म जान है, 1930 के अंदर उस खान कलात की रियासत के अंदर ये वज़ीर मारिफ के तौर पर काम करते रहे। और उस दौर के अंदर फारसी जो थी वो एक अदबी और सरकारी ज़ुबान थी, तो फारसी के अंदर अब्दुल्ला अखुंदज़ादा ने उनको अशार भेजे हैं, प्रेजेंट किए हैं। उस अशार के अंदर एक उन्होंने तजिया अपना पेश किया है कि खान कलात अलीजा आप गवादर को डेवलप करें, गवादर बंदरगाह को डेवलप करें। दूसरा उसने एक तजवीज़ दी है कि आप पसनी से अफगान सरहद तक एक रेलवे की पटरी जो है वो उसका बिछाएं। और ये गवादर के मुतलिक तीसरी बात उसने ये कही है कि गवादर को कभी किसी के कब्ज़े में ना देना और आप अपना बहरी बेड़ा जो है वो तैयार करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़रा आज लोग समझते हैं कि गवादर की ये जो डेवलपमेंट है ये आज की किसी ने इब्तिदा की या नवाज शरीफ का नाम लिया, किसी परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, किसी और का नाम लिया, तो उस दौर के अंदर भी डेवलपमेंट का अप्रोच और वो पाया जाता था। और ये बात खान कलात चूँकि इसके अंडर आते थे, सारे एरियाज वहाँ पर मौजूद थे। हमें जो बलूचिस्तान को बड़ा मसला दरपेश है वो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स का इंतखाब है कि बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स कौन है। यहाँ पर ये अगर ये फसल फूल तो बात की बात आती है, हमें तो सबसे बड़ा मसला जो है वो अपने जो रिसोर्स मौजूद हैं उनकी यूटिलाइजेशन का है, उसका फैसला किसने करना है। और ये जो एक डिवाइड है बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह के ऊपर बैठी हुई है, ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक जो उनको पढ़ाया सिखाया जा रहा है या सिखाया जा चुका है वो उसके मुताबिक अपनी गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर लेके खड़े हैं। हमारा जो पॉलिटिशियन है माजरत के साथ बहुत सारे उसके अंदर वो ऐसे हैं कि
उनको ये पता नहीं है कि उनका जॉब सिवाय पोस्टिंग और ऑर्डर्स के कुछ और भी हैं, लेजिस्लेशन है, कानून साजी है। और हमारा जो तीसरा अहम स्टेक होल्डर है वो एकेडेमिया है। एकेडेमिया का काम ये नहीं है कि आप थीसिस अपने स्टूडेंट को कराओ, पीएचडी और एमफिल के और किताबें पब्लिश करो और आपकी किताबों और आपकी थीसिस से ना तो ब्यूरोक्रेसी कोई फ़ायदा ले, ना आपकी पॉलिसी मेकर्स कोई फ़ायदा ले। तो ये जो तीन तबकों के अंदर हमारी डिवीजन है, ये वो चीज़ है जिसको हमने एड्रेस करना है, इस गैप को ब्रिज करना है। आपका जो ब्यूरोक्रेट है अगर वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसको यूनिवर्सिटी के थीसिस की ज़रूरत है। आप ज़रा हार्वर्ड को ज़रा चले जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी और उसका बजट पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। आप दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड चले जाए, वहाँ के माहिरीन नासा को कौन चला रहा है? तो ये जो डिवीजन है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। आपका कोई भी लेट सपोज अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है, कोई पॉलिसी बनती है, उसको बाहर का कंसल्टेंट ना बनाए, उसके यहाँ की जो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, जो फारूक साहब आज बोला है आप लोगों के सामने, जिस तरीके से मुझे तो खुद को जोग्राफियादान समझते हुए शर्म आ रही थी जिस तरीके से सर आप बलूचिस्तान की जोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये आपका ब्रेन है, ये आपके थिंक टैंक से, आप ज़रा इनसे पूछे सर से कि कितने बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट से या कितने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए किन किन जगहों के ऊपर आपको बुलाया गया है और आपको एज अ स्टेक होल्डर के तौर पे आपको बिठाया गया है कि ये चीज़ें हमें बता दें ताकि हम अपने सूबे को डेवलप करें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने की है। हमारी सिर्फ ये रिसोर्सेज नहीं है कि सिर्फ कोल मौजूद है, कोल तो हमारे पास इतने इनके ज़खायर है कि हम 500 साल तक दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन बंदों ने सीपेक के अंदर कोल के प्रोजेक्ट साइन किए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हुए, उनसे ज़रा आप पूछ लें कि आपने इम्पोर्टेड कोल के ऊपर साइन किया है या बलूचिस्तान का जो लोकल कोल है उसको यूटिलाइजेशन के ऊपर आपने सिग्नेचर किए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जितने बलूचिस्तान या पाकिस्तान के अंदर जो पिछले अखबार के अंदर सीपेक के प्रोजेक्ट हुए हैं, सितम जरीफी देखिए ज़रा कि उन लोगों को बलूचिस्तान के कोल का नहीं था पता। आपका एक वज़ीर आला है जिसको 3 साल बाद एक मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि ग्वादर से, ये जो सीपेक से ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट से 91% जो है वो चाइना को जाएगा और 9% जो है वो पाकिस्तान को जाएगा रेवेन्यू का, और इसमें 0.49% बलूचिस्तान को जाएगा। और वो मुँह खोल के हैरान होकर रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो इससे मुराद ये है कि हमारा पॉलिटिशियन इतना नाखबर है, वो इतना डिसकनेक्ट है कि उसको ये पता नहीं है कि ये जो मुआहदा हुआ है या जो मुआहदे होने जा रहे हैं, जो कि जिसने हमारी किस्मत के फैसले करने हैं, उसमें हमें कितना शेयर मिलेगा। जो कोल यूज होगा, हमारा एक कोल पावर प्लांट है, हब कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का है, इसके ऊपर आप इसकी लोकेशन ज़रा देख लें कि किस जगह के ऊपर ये कोल पावर प्लांट जो है वो यूज़ हो रहा है, कहाँ पर बन रहा है। मैंने सना साहब को एक आज वो आते तो ज़रा अच्छा लगता, मैंने इसको एक ईमेल किया था जब ये बन रहा था, मैंने कहा ज़रा इस लोकेशन के ऊपर आप ज़रा गौर करें। एक तो ये कि इम्पोर्टेंट कोल के ऊपर बन रहा है, एक तो जुल्म है कि मेरा बलूचिस्तान का कोल इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को जब आप समझना चाहते हो तो उसके अंदर लोकेशन है। अगर आज बलूचिस्तान की अहमियत हो तो उसकी लोकेशन की वजह से है कि नॉर्थ और साउथ को जो है वो क्या कहते हैं मिलाता है। चाइना को ज़रूरत है स्ट्रेट ऑफ मलाका अमेरिकन नेवल बेस के कंट्रोल में, जितनी तिजारत चाइना के आम मुल्क नहीं है, 1.5 अरब की आबादी है। सिर्फ अगर वो यहाँ से तेल लेके जाए, मैं कहता हूँ अगर चाइना सिर्फ बलूचिस्तान के रस्ते से तेल लेके जाए तो इसकी इतनी रॉयल्टी बनेगी कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बड़ा मसला ये है कि आपके ये जो बलूचिस्तान का लोकल कोल है उसकी तरफ तो उन्होंने तवज्जो दी नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। इम्पोर्टेड कोल के ऊपर जिसकी ये ग्रेड हो और उसको आपने साइन किया है,
तो आज हमारा कोर जो है वो यूज नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये इस फोरम के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पोलिटिशन हैं, खुदा आप अपने जो अकेडेमिया है बलोचिस्तान के यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनके अंदर बड़ी सलाहियत है। मेरी PhD थाईलैंड से, ठीक है, मेरी डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर PhD है। थाईलैंड के एक सूबे के लिए मैं मास्टर प्लान बना सकता हूँ, लेकिन आप जरा पूछ लें कि आपके 30 टाउन्स बलोचिस्तान के अंदर डेवलप हो रहे हैं, उसमें आपकी अकेडमिया से कितने लोग लिए गए, कितने ऐसे लोग उस मास्टर प्लान का ऐसा है जो जिसके जरिए से वो बलोचिस्तान के कल्चर को पहचानते हुए जानते हुए वो उसके अंदर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये ब्रिज करने की ज़रूरत है। फिर ये चीज़ें सामने रह जाती हैं कि आया हम सबसे पहले विंड एनर्जी की तरफ चले जाएं या कोल को यूटिलाइज करें। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर है कि हम 1% से भी नीचे कार्बन इमिशन कर रहे हैं, फिर क्यों हम अपने कोल को यूटिलाइज नहीं कर सकते। USA 19% USA वो दुनिया के अंदर कार्बन की इमिशन कर रहा है, चाइना कितना कर रहा है। लेट मी डेवलप फर्स्ट, देन आई विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंट, और फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में कंसर्न होगी। तो ये जो ब्रिज है, मैं कहता हूँ कि इस ब्रिज को हम यूज़ करें। हमारा जो पॉलिटिशियन है, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है और हमारी जो अकेडमिया है, वो एक स्टेज के ऊपर हो, एक ही उनके बात हो, एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठाए और एक ऐसे बलोचिस्तान की तामीर के लिए एक लॉन्ग टर्म कौमों की ज़िंदगी में 50 साल, 100 साल, 200 साल कोई अहमियत नहीं रखते। कौमों की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, हज़ारों साल होती है। अगर हम यहाँ इस फोरम से, शकीला नवीद साहिबा भी यहाँ पर बैठी है, अपने प्रोविंशियल असम्बली को रिप्रजेंट कर रही है, अगर हम ये अहद करें अपने मीटिंगों के अंदर कि भाई यूनिवर्सिटी के PhDs को इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें वो बलोचिस्तान के जो डेवलपमेंट है और जो डेवलपमेंट डिबेट्स है उसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।